दोस्तों आज हमें लर्न करना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब साइन कॉस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव ये उसके एंगल के अनुसार कैसे चेंज होते हैं ये हमें अभी लर्न करना है। इसे समझने के लिए पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे जिसमें हमें निकालना है एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यह है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और यह है वर्टिकल वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वो है ओरिजिन ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0.0। इस ओरिजिन ओ को सेंटर लेके हम एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल की रेडियस जो आर है उसे दोस्तों ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है और जिसका सेंटर ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, ऐसे सर्कल को कहा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड क्योंकि उसका सेंटर एक ओरिजिन है ओ और यूनिट बिकॉज रेडियस 1 है तो ऐसे सर्कल को कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। इस सर्कल के ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे P जिसके कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम करेंगे x, y। हम एक एरो निकालेंगे OP। रे OP x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक एंगल बनाता है उसे हम अज्यूम करेंगे थीटा। अभी x एक्सिस के ऊपर पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ एट पॉइंट Q। डिस्टेंस OQ जो कि ट्रायंगल का बेस है OQ उसकी लेंथ है x बिकॉज पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है x दैट्स व्हाई OQ की लेंथ आएगी x। वैसे ही परपेंडिकुलर PQ की लेंथ है y बिकॉज पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है y। अभी देखिए इस ट्रायंगल को ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल एट क्यू, इस ट्रायंगल में बेस है ओ क्यू, हाइट है पी क्यू और हाइपोटेनस है ओ पी, जिसमें जो एक्यूट एंगल है थीटा उस थीटा के बारे में हम सोचते हैं। अभी हम लेते हैं उसका फर्स्ट रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आपको मालूम है साइन थीटा यानी अपोजिट साइड उसके सामने वाली साइड अपॉन हाइपो इज इक्वल टू इस केस में अपोजिट साइड है y थीटा के अपोजिट साइड y और हाइपो है रेडियस जिसकी वैल्यू है 1 हमने कंसीडर की है उसकी वैल्यू 1 यूनिट सो रेशियो आएगा y अपॉन 1। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। वैसे ही हमें निकालना है cos थीटा। cos थीटा मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो उसकी बाजू वाली साइड अपॉन हाइपो सो इट इज इक्वल टू x अपॉन 1 बाजू वाली साइड OQ जिसकी वैल्यू है x अपॉन हाइपो है रेडियस 1 तो रेशियो बनता है x अपॉन 1। मतलब यहां पे हमें मिला है x वैल्यू इज cos थीटा और y की वैल्यू sin थीटा। एक्चुअली x और y है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इसलिए हम अभी P के नए कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं cos थीटा कॉमा sin थीटा जिसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब जब भी रेडियस 1 होगी 1 यूनिट तब सर्कल के ऊपर के जो पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल यहां पे P उसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो रहेंगे cos थीटा कॉमा sin थीटा क्योंकि रेडियस r की वैल्यू 1 है अदरवाइज वो पॉइंट्स वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं r cos थीटा r sin थीटा। लेकिन इस केस में बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल वो पोलर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं cos थीटा कॉमा sin थीटा जहां पे थीटा वो एंगल है जो रे OP ने एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया है। अभी हम देखेंगे कि एंगल के अनुसार मीन्स थीटा की वैल्यू के अनुसार
ये पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है cos थीटा और sin थीटा यानी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे। अभी इसे समझने के लिए और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाएंगे। यह है हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस x x डैश, यह है वर्टिकल लाइन y y डैश। इन दो एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे हम नाम देते हैं O, ओरिजिन। अब ये जो ग्रीन कलर का रेक्टेंगल है उसे हम थोड़ी देर के लिए प्लेन अज्यूम करते हैं। उस प्लेन के ऊपर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाई है x एक्सिस और y एक्सिस, और इस दो एक्सिस के कारण ये जो प्लेन है ये चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये जो चार अलग अलग पार्ट्स है उनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये एरो जहां पे है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दूसरा एरो जहां पे आपको दिख रहा है ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तीसरा एरो जहां पे दिख रहा है ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें नंबर्स देने हैं, नंबर लाइन की तरह 1, 2, 3 लाइक दिस। दीज आर पॉजिटिव नंबर, ये सब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में मीन्स बाय साइड में हमें देने हैं निगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 लाइक दिस। y एक्सिस पे ऊपर के साइड में हमें देने पॉजिटिव नंबर्स +1, +2, +3 लाइक दिस, और y एक्सिस पे नीचे के साइड में हमें देने नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 लाइक दिस। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। अभी हम ज्वाइन करेंगे रे ओ पी, एक एरो बनाएंगे ओरिजिन ओ से लेके और पॉइंट पी से पास होने वाला, जो एरो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक एंगल बनाएगा, वो एंगल है थीटा। यहां पे डिस्टेंस ओ पी अगर हम अज्यूम करते हैं 1 यूनिट, तो बिकॉज ऑफ दिस एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा बना है इसके कारण जो पॉइंट पी हमने लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे cos थीटा sin थीटा, यानी x की वैल्यू cos थीटा और y की वैल्यू sin थीटा। अभी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी x कोऑर्डिनेट लीजिए वो पॉजिटिव आएगा, और कोई भी y कोऑर्डिनेट लीजिए वो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव ही आएंगे, इसका मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव आएंगे क्योंकि x की वैल्यू cos थीटा है, y की वैल्यू sin थीटा है। तो यहां पे हमें दिखाई देता है कि cos थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड sin थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव व्हेन पॉइंट P इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब cos थीटा और sin थीटा दोनों पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा की वैल्यू जब 0 से बड़ी और 90 से छोटी होगी तब थीटा जिस पॉइंट के कारण बना है वो पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स cos थीटा एंड sin थीटा दोनों पॉजिटिव आएंगे। अभी देखिए अगर पॉइंट पी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, फिर हम सेम पॉइंट और सेम कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करते हैं, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है पॉइंट पी तो फिर क्या होगा, फिर वो एक एंगल बनाएगा एंगल थीटा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। अभी ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू श्योर है कि 90 से बड़ी है लेकिन 180 से छोटी है, और इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बिकॉज ऑफ थीटा बनेंगे cos थीटा कॉमा sin थीटा। अभी जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के सारे कोऑर्डिनेट्स निगेटिव है इसलिए उसका कोऑर्डिनेट cos थीटा, पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट cos थीटा आएगा निगेटिव, और
साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस पे सारे नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जब एंगल थीटा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो पॉइंट पी आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और उसके कोऑर्डिनेट्स कॉस थीटा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में पॉइंट पी को लेते हैं तो सेम सिचुएशन आएगी, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई बन जाएंगे कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा बिकॉज ऑफ एंगल थीटा, लेकिन यहां पे थीटा की जो वैल्यू है वो है 180 से बड़ी और 270 से छोटी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव आ रहा है, जिसके कारण कॉस थीटा भी निगेटिव रहेगा और वाई साइन थीटा भी निगेटिव रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर थीटा 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है तो पॉइंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और उसके कोऑर्डिनेट्स कॉस थीटा आएगा निगेटिव, वैसे ही साइन थीटा भी आएगा निगेटिव। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम सेम पॉइंट पी लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स कॉमा वाई, एंगल लेते हैं थीटा, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो 270 से भी बड़ा है और 360 से छोटा है, इसलिए पॉइंट पी आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट्स निगेटिव है, जिसके कारण यहाँ पे कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएगा और साइन थीटा निगेटिव आएगा। तो हमें ये लास्ट कंक्लूजन मिलता है कि थीटा इज ग्रेटर देन 270, अगर 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और उसका कोऑर्डिनेट्स कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा और साइन थीटा निगेटिव आएगा। दोस्तों इस तरह से पॉइंट कहाँ पे दिया है, कौन से क्वाड्रेंट में दिया है, उसके ऊपर से आप कॉस थीटा और साइन थीटा की साइन डिसाइड कर सकते हो, या फिर थीटा की वैल्यू क्या है स्पेशली, जैसे कि थीटा की वैल्यू 0 टू 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव और साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी है और 270 से छोटी है तो फिर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है और कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों निगेटिव है, और अगर थीटा की वैल्यू 270 से बड़ी है और 360 से छोटी है तो पॉइंट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कॉस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा निगेटिव। इस तरह से एंगल के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि थीटा यानी कॉस थीटा और साइन थीटा के साइन क्या होने चाहिए। दोस्तों इस तरह से अगर आपको कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम इजीली समझ लेना है तो फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।